शीतलहर से कुछ राहत अब देखने को मिली है, लेकिन ये चार दिन की चांदनी वाली बात है क्योंकि 15 जनवरी से फिर से ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। हरियाणा समेत एनसीआर में आज छिटपुट बारिश के आसार भी बताए गए हैं। हालांकि कल और परसों भी बहुत हल्की सी बूंदाबांदी जो है वो एनसीआर में देखने को मिली और आज भी छिटपुट बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से बताए गए हैं कि बारिश आज हो सकती है, संभावना पूरी बनी हुई है। 15 जनवरी से एक बार ठंड फिर से बढ़ेगी। हाल के दो तीन दिनों में मौसम में ठंड में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ये एक बार ठंड जो है फिर से परेशान करने वाली है, फिर से लोगों को कपकपाने वाली है। 15 जनवरी से मौसम विभाग का ये अनुमान है तकरीबन दो हफ्तों तक कड़ाकेदार ठंड पड़ सकती है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम पहुंचा रहे हैं आप तक। हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हैं फोन लाइन पर मौजूद, मौसम के बारे में कुछ जानकारियां देंगे। आज बारिश के आसार हैं राजेंद्र, ठंड में राहत है, लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा अगर बरसात आती है तो किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि किसान जो है पहले से ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। ठंड अगर बढ़ती है तो उनको काफी फायदा रबी की फसल में होगा, लेकिन अगर सूखी ठंड पड़ती है तो उससे कहीं ना कहीं फसलों में नुकसान है, और बारिश की अगर आशंका है तो किसानों को इस बात से काफी राहत जो है मिल सकती है। दूसरा सर, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही थी तो उससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे थे, और कहीं ना कहीं दुकानदारों पर भी ठंड का असर पड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उनकी दुकानदारी भी थी, सर्दी के कारण लोग घरों से बाहर कम ही निकल रहे थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका जानकारियों के लिए।